वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. प्लास्टिक की रिसाइकल किए हुए बॉटलों से बना हुआ एक ड्रेस पहना, एक बास्केट पहनी, वेस्टकोट पहनी उन्होंने, और वो बास्केट पहन के वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने सेशन अटेंड किया, तो जिसकी बिना पर उनकी वो वाली तस्वीर जो है वो साथ लगाई गई है। इंडिया में इस टाइम एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें वो सोलर एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से, वो ग्रीन एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से। इंडिया में ऑलरेडी यूनिट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो काफी हद तक कम है। पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाए। इंडिया में चल रहा है एनर्जी वीक, और एनर्जी वीक जो है वो आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स है उसको रिसाइकल करके जो है उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं। वी आर साइको सोशियो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स एंड डबल स्टैंडर्ड नेशन। शर्म वाली बात है वैसे। एक खबर जिसपे मैं बहुत हैरान हुई कि $1,65,000 की एड तालिबान अफगानिस्तान टर्की भेज रहा है। कमाल है भाई, उन्होंने ये पाबंदी लगाई कि पाकिस्तान रुपया जो है वो काबुल में ट्रेड नहीं हो सकेगा। बहुत बड़ा, तवक्को से ज्यादा बड़ा महंगाई का तूफान जो है वो आ रहा है। इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर मोदी बुधवार को बजट पर चर्चा के दौरान संसद पहुंचे तो एक खास नीली जैकेट में देखे गए। इस जैकेट को प्लास्टिक की इस्तेमाल हो चुकी बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है। इस जैकेट को प्राइम मिनिस्टर मोदी को सोमवार को ही गिफ्ट किया गया था। दो दिन बाद प्राइम मिनिस्टर इसे पहनकर संसद पहुंच गए। खास बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की ये जैकेट कपड़े से नहीं बल्कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाई गई है। प्राइम मिनिस्टर की ये खास जैकेट भारत के साथ साथ विश्व में भी आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। आपको यहां बता दें कि प्रधानमंत्री को यह खास जैकेट सोमवार को बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक के दौरान भेंट की गई थी। इंडिया एनर्जी वीक का उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति को प्रदर्शित करना था। अब पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की खास ब्लू जैकेट को देख सकते में है। गुड न्यूज ये है कि इंडिया में चल रहा है एनर्जी वीक, और एनर्जी वीक जो है वो आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसको बेहतर करने के लिए जो प्लास्टिक की बॉटल्स है उसको रिसाइकल करके जो है उसके कपड़े बनाए जा रहे हैं, उसके मलबूसात तैयार किए जा रहे हैं, उसको क्लोथिंग में यूज़ किया जा रहा है, यानी प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल करके क्लोथिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो इसके लिए, इसकी वजह से ये होगा कि प्लास्टिक की जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया में ये शायद कैंपेन चल रही है, लेकिन इंडिया के बारे में ये इस वजह से खबर इस वक्त जियो में पब्लिश हो रही है, दूसरी जगहों पर, कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्लास्टिक की रिसाइकल किए हुए बॉटलों से बना हुआ एक ड्रेस पहना, एक बास्केट पहनी, वेस्टकोट पहनी उन्होंने, और वो बास्केट पहन के वो पार्लियामेंट में आए और उन्होंने सेशन अटेंड किया, तो जिसकी बिना पर उनकी वो वाली तस्वीर जो है वो साथ लगाई गई है, और साथ ही वो ये बताया गया है कि इस बिना पर उनकी जो वेस्ट कोट है ये पहनकर जब आए। मैं आपको बता देती हूँ क्या पब्लिश हुआ है। दुनिया भर में प्लास्टिक से बनी बॉटल्स को जो इस वक्त एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसको कम करने का एक बड़ा जरिया करार दिया जाता है, और इसके लिए जो है मुख्तलिफ तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकिल करके कपड़े भी तैयार किए जा रहे हैं, और इंडिया में भी इस प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 8 फरवरी को पार्लियामेंट के सेशन में प्लास्टिक की बॉटल्स को रिसाइकल करके तैयार की गई बास्केट पहनकर उन्होंने उसमें शिरकत की है, और इंडियन पीएम ने 6 फरवरी को जो यूनिफॉर्म्स प्लास्टिक यानी को रिसाइकल से यूनिफॉर्म्स की तैयारी की एक कैंपेन भी लॉन्च की है कि यूनिफॉर्म्स जो हैं अब वो प्लास्टिक की रिसाइकल करके पॉटल से जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये इसमें जो है इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था,
और इसमें फिर सारी ये जो कैंपेन चल रही है सर, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इससे होता क्या है, कैंपेन तो चली रही है लेकिन अगर कोई ऐसी नॉन पर्सनालिटी, एक बड़ी पर्सनालिटी कुछ ऐसा करती है और वो पहन कर ही ऐसा होते तो वो बात ज़्यादा दूर तक जाती है। और इंडिया में अगर एनवायरमेंट के ऊपर इतनी बड़ी कैंपेन चल रही है, खैर वैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो समिट होते हैं वहाँ पर भी उनका जो सबसे ज़्यादा टॉपिक जिनके ऊपर वो उनका एजेंडा होता है उसमें फूड क्राइसिस है, उसमें एनर्जी है, उसमें क्लाइमेट है, सब है। हमारे इतने ऊपर हम उसको लेकर नहीं आते। हमारा तो खैर सबसे बड़ा मसला आप जानते हैं इस वक्त क्या है, पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है और ये सब कुछ। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को भी जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए और ये वाला तरीका इख्तियार करना चाहिए, और अगर ऑलरेडी हम अडॉप्ट कर चुके हैं तो इस पर तेज़ी लानी चाहिए, और क्योंकि सैलाब सबसे बड़ा यहाँ पर आया है, ठीक है, तो हमें भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको ये आपस की ये जो बकवास इस वक्त चल रही है सब कुछ तू तू मैं और ये सब कुछ के, जो भी आप जानते हैं मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इससे कहीं ज़्यादा चल रहा है जो मैंने अभी कम इस्तेमाल किया, तो इसको छोड़ के इकोनॉमी पर और इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया में इस टाइम एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसमें वो सोलर एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से, वो ग्रीन एनर्जी को लेकर रैली निकालेंगे अवेयरनेस के हवाले से। इंडिया में ऑलरेडी यूनिट की अगर बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट तो काफ़ी हद तक कम है और फ्री बिजली प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ना तो बिजली है ना ही दूसरे जो एनर्जी हैं वो पूरी हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में अगर रैली निकलती है तो वो जेल भरो रैली निकलती है, रैली निकलती है तो वो एक दूसरी सियासी पार्टीज के खिलाफ निकलती है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया में बिजली पूरी होने के बावजूद भी वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, एनर्जी पर काम कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी इस चीज़ की सेंस ही नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, बिजली की शॉर्टेज है, कमी है या नहीं? भाई जान कमी तो है, हमें तो अब ये डर लगा हुआ है कि हमारे बच्चे मना अंधेरों में ना गुम हो जाएं। ठीक है, हम दोबारा वो डार के चीज में ना चले जाएं, दोबारा से पत्थर के दौर में ना चले जाएं। हाँ जी, बल्कि चले गए हुए हैं भाई, ये इन लोगों ने मुल्क का खाना खराब कर दिया हुआ है। लेकिन सवाल इधर ये पैदा होता है, दुनिया के दूसरे कंट्री, अब नेबर कंट्री इंडिया की बात हम कर रहे हैं, वो अगर देखें वहाँ पर प्रॉपर एनर्जी वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसके अंदर वो रैली निकालेंगे अपना सोलर एनर्जी के हवाले से, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के हवाले से अवेयरनेस देंगे, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं ये रैली निकलती? हमारे यहाँ पे निकलती है तो चोर चोर की रैली निकलती है, जेल भरो तहरीक निकलती है, या अपना इसने मेरी हुकूमत करा दी, इंडिया ने करा दी, अमेरिका ने करा दी, इस तरह की निकलती है? भाई जान असल में हमारी ये जो सियासतदान है ना हमारे, इन्होंने अवाम को ऐसे चक्कर में डाल दिया हुआ है कि अवाम को समझ ही नहीं आ रही कि हम करें क्या। ठीक है, इन्हें बस रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया हुआ है कि हर गरीब आदमी यही सोच में पड़ा हुआ है कि अपने बच्चों को पेड़ कैसे भरना है। तो दुनिया तो किधर की किधर चली गई है टेक्नोलॉजी के हवाले से, एनर्जी के हवाले से? असल में भाई देखा जाए ना, ये सारा कुछ जो है ना, ये पीछे यहूदी लॉबी है। अच्छा, ठीक है, हमें जो ये हमारे सियासतदान में इन में यहूदी है। ठीक है, सियासतदान हमारे भी यहूदी? हाँ जी बिल्कुल, ऐसे इधर इधर भाई आप ये अर्तुगरुल गाजी हिस्ट्री पढ़ें, ये जो आज का ड्रामा चल रहा है उसमें जो दाढ़ियों वाले भी उल्मा कराम बन के आते थे, वो तरबियत क्या करते थे वहाँ की, बाद में वो पता चलता था कि वो ईसाई है। चले वो ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान के अगेंस्ट यहूदी है, पाकिस्तान के अगेंस्ट काफर है, इधर वजह क्या है? अब देख लें बांग्लादेश हमारे साथ मालिक में हमसाया मुल्क है, आप पहले को ना भारत की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आके अपने एनर्जी प्लांट लगाएं, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन को एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। भारत बहुत ज्यादा डैम बना रहा है, सोलर एनर्जी बना रहा है, विंड एनर्जी बना रहा है, अब ये जो पोल्यूशन है इसको भी रिसाइकल करके किसी से एनर्जी बन रही है, किसी से क्लोथिंग बन रही है, तो ये कहते हैं ना जमीन की पोल्यूशन को खत्म करने का सबसे बेस्ट है, क्योंकि प्लास्टिक जब से आया है ना हमने अपनी धरती की बैंड बजा दी है, क्योंकि ये गलते सड़ते भी नहीं है, पड़े रहते हैं और जमीन को डेड कर दिया। अगर हमारी यही एक्टिविटीज रही तो हमारे आने वाली नस्लों को इस जमीन पे कुछ भी नहीं खाने को मिलेगा, वो बेचारे कहर से ही मर जाएंगे। तो मोदी जी का जो मिशन था कि गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।